शहर में स्थित मनपा के गार्डन अब रखरखाव के लिए निजी संस्थाओं को देने का निर्णय मनपा के स्थायी समिति द्वारा लिया गया है, जिसमें 2 एकड़ से अधिक वाले 15 गार्डन शामिल है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान मनपा के स्थायी समिति के अध्यक्ष पिंटू झड़के द्वारा दी गई है। शहर के मनपा स्थित उद्यानों को निजी संस्थाओं को रखरखाव के लिए दिए जाने का फैसला मनपा द्वारा स्थायी समिति के बैठक में लिया गया है। शहर के 15 गार्डन जो 2 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्रफल में बने हुए है, उन्हें निजी संस्थाओं को देकर प्रायोगिक तौर पर चलाने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें गार्डन का रखरखाव का जिम्मा उसी निजी संस्था का होगा। ऐसा पत्र परिषद के दौरान स्थायी समिति अध्यक्ष जरके द्वारा कहा गया है। एकंदरीत नागपूर शहरातले 2 एकर पेक्षा मोठे असे 15 उद्यान आणि 2 एकर ते 0.5 एकर म्हणजे अर्धा एकर पेक्षा त्या दरम्यानचे जेवढे 54 उद्यान आहे अशा मोठ्या उद्यानांकरिता हा प्रस्ताव आहे। शहरात साधारणतः 200 अधिक उद्यान आहे, त्याच्यामुळे सर्वच्या सर्व उद्यानांकरिता हा निर्णय झालेला नाही। हा निर्णय केवळ मोठ्या उद्यानांकरिता आहे। या निर्णयाअंतर्गत जी उद्यानांच्या जवळपास असणारी जी सामाजिक संस्था आहे त्या संस्थेच्या माध्यमातून हे उद्यानं प्रायोगिक तत्वावर चालवण्यासाठी घ्यावे आणि त्या माध्यमातून 5 रुपये शुल्क आकारून त्या सर्व उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती त्यात CCTV कॅमेरा लावणे त्यात गार्ड लावणे त्यात महानगरपालिका केवळ पाणी आणि वीज बिल उपलब्ध करून देईल, बाकी सर्व मेंटेनन्सचा खर्च त्यांनी करायचा आहे, त्याचं गार्डनची यथायोग्य देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी त्या संस्थेची राहील। गार्डन का जिम्मा जिस संस्था को दिया गया है उस पर मनपा का नियंत्रण रहेगा ताकि नागरिकों की परेशानी ना हो। अब तक आम जनता टहलने के लिए हो या बच्चों को खेलने के लिए गार्डन लेकर जाते थे, लेकिन अब गार्डन में जाने के लिए उन्हें शुल्क अदा करना होगा। अब देखना होगा कि शहर की जनता को ये बात रास आती है या नहीं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।